बिल्कुल सर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ फ्रेश होंगे। सर, मेरी ऐसा कैलकुलेटर जो कि अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और उसके बाद इरेज करने पे वो मतलब क्लियर भी करे जो हमने इनपुट दी हुई है। उसके अलावा इक्वल प्रेस करने पे अपना रिजल्ट भी डिस्प्ले करवाए और सारे बटन भी अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपर परफॉर्म करें। तो सर, सबसे पहले मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो दिखा देता हूँ कि ये जो परफॉर्म कर रही है अपना वर्क वो ठीक से कर रही है। उसके बाद हम इसके डिजाइन के ऊपर बात करेंगे जो इसका कोड है। जी, तो सर ये ऐप है जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं। लेट्स सपोज 12 दिए, 12 + 8 जो इक्वल प्रेस करें तो अपना रिजल्ट शो करवा रही है, ठीक है। लाइकवाइज हम क्लियर करते हैं इसी तरह हर फंक्शन के ऊपर, ये अपना रिजल्ट सही से डिस्प्ले करवा रही है। सर, अब यहाँ पे फंक्शन क्या चल रहा है, जैसे हम कोई एक नंबर प्रेस करते हैं, एक वेरिएबल हमने कॉल किया हुआ जो बैकएंड पे काम कर रहा है। जैसे हम किसी भी ऑपरेशन पे काम करेंगे, जैसे कि ये प्लस इक्वल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, किसी भी ऑपरेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो अपने वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी जो हमारी अभी इनपुट हुई है। वो वैल्यू वहां से स्टोर होके इनपुट बॉक्स हमारा खाली हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू एंटर कर सकेंगे। जब नेक्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद डेफिनेटली यूजर ने इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के ऊपर हमने एक फंक्शन कॉल किया है जो कि सेकंड इनपुट वैल्यू को एक सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाती है, और उसके बाद वो कंडीशंस लगाई हैं कि वो चेक करे कि हमारे पास ऐड जो है वो यूजर करवाना चाह रहा है या मल्टीप्लीकेशन करवाना चाह रहा है या कौन सा फंक्शन जो अप्लाई करवाना चाह रहा है, फिर उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके और हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ मोबाइल को। जी सर, तो अभी सबसे पहले आपको डिजाइन में बताऊं तो हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, एक प्लेन टेक्स्ट लिया है, और उसके बाद इसको हमने एक आईडी असाइन किया जो कि एडिट टेक्स्ट के नाम से। उसके बाद हमने ये सारे बटन्स लिए हैं यहाँ पे, उनको जो है वो कंस्ट्रेंट व्यू बनाया जो कि जो चेन में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि अपना जो वो पोजीशन है वो खराब ना करें। और उसके बाद सबको हमने उसके बाद में मेन एक्टिविटी में जाकर उसको हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया, ठीक है। सबसे पहले हमने बटन्स के सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं जितने भी बटन्स हैं। उसके बाद एडिट टेक्स्ट जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे यूजर एंटर करेगा अपनी वैल्यू, उसको हमने एक वो उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद दो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं फ्लोट टाइप के, जिसमें फर्स्ट टाइम जब यूजर वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सेकंड वैल्यू एंटर करेगा तो वो भी कहीं पर स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। और साथ ही साथ हमने बूलियन टाइप के एड सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बनाए हैं ताकि जब यूजर ये वैल्यूज एंटर करे तो उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसके जो है वो इसको हमने मैपिंग किया हर बटन को पॉइंट व्यू बाई आईडी से, हर बटन को मैप किया है ताकि वो अपनी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन उसको कॉल करने लग पड़े। रेफरेंस बना दिया ऑब्जेक्ट्स को जो हमने क्रिएट किए हैं पहले। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके ऊपर एक ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल करेंगे जो कि बताएगा कि अगर यूजर 1 पे प्रेस करेगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, 2 पे प्रेस करे तो क्या होना है, प्लस पे करे, मल्टीप्लीकेशन पे करे, डिवीजन पे करे। तो इन सबको हमने एक ऑपरेशन की वैल्यू दे दी है ताकि जब 1 पे क्लिक हो तो इन टेक्स्ट फील्ड में ये वैल्यू सेट हो जाए 1, ठीक है। इसी तरह सब फंक्शन के लिए। और उसके बाद हमने एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे काम करेगा, देखेगा कि अगर यूजर ने खाली वैल्यू पे क्लिक कर दिया प्लस तो फिर क्या करेगा, वो इस वैल्यू को नल छोड़ देगा। अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, 12 यूजर ने एंटर किया उसके बाद प्लस किया, तो फिर वो क्या करेगा कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे रिजल्ट 1 में स्टोर करवाएगा। उसके बाद जो उसने जिस बटन पर क्लिक किया होगा उसको ट्रू करवा देगा और साथ ही साथ टेक्स्ट फील्ड को नल कर देगा। इसी तरह उसके लिए है, हर ऑपरेशन के लिए सेम ही काम है। उसके बाद यूजर क्या सेकंड वैल्यू एंटर करने के बाद क्या करेगा, एंटर प्रेस करेगा। तो एंटर के बाद भी हमने एक फंक्शन कॉल किया जो देखेगा कि सॉरी, सबसे पहले वो देखेगा कि हमने जो रिजल्ट, जैसे यूजर एंटर का क्लिक करेगा जब हमने कोई सेकंड वैल्यू एंटर की होगी तो पहले यूजर की वो सेकंड एंटर वैल्यू है वो हमारी रिजल्ट 2 में स्टोर होगी। उसके बाद ये कंडीशन चेक होंगी कि हमारे पास एड ट्रू है, सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू बुलियन ट्रू है, ये कौन सी वैल्यू ट्रू है। जो भी यूजर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, जिसके ऊपर क्लिक किया होगा, जो ऊपर से आ रही है यहाँ से ट्रू आ रही है, यहाँ से ये ट्रू आ रही है, जो भी फंक्शन चला होगा वहां से ये वैल्यू चेक करेगा, उससे रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर देगा। अगर ट्रू वाली एड वाली वैल्यू ट्रू है तो वो क्या करेगा, रिजल्ट 1 को रिजल्ट 2 में एड कर देगा और उसको टेक्स्ट फील्ड में व्यू करवा देगा और वहां पे वो वैल्यू चली जाएगी और ऐड को फॉल कर देगा नेक्स्ट टाइम के लिए। यही सेम काम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और डिवीजन के लिए भी है। और लास्ट पे जो हमारा क्लियर का बटन था वो रह गया था, उसके अंदर हमने क्या किया, जैसे यूजर उसके ऊपर क्लिक करे, क्लिक लिस्ट हमने लगाया, जैसे यूजर क्लिक करे तो उसकी जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है उसको सेट कर दे खाली, मतलब नल, ये हमने नल वैल्यू उसके सेट कर दी है ताकि जब भी यूजर क्लियर तो क्लिक करे उसकी वैल्यू जो है ना खत्म हो जाए वहां से। तो सर ये थी ऐप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सारा इसका ओवरव्यू जो मैंने दिया।